Hello friends, good evening. My today's topic is natural vegetation and wildlife. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. सलीमा अपनी क्लासमेट्स के साथ एक समर कैंप में गई थी. कहाँ पे गई थी वो? हिमाचल प्रदेश के मनाली में. वहाँ पर उसने क्या देखा कि जब जैसे जैसे बस पहाड़ों पर ऊपर चढ़ रही थी वैसे वैसे क्या था, जो लैंडफॉर्म था और नेचुरल वेजिटेशन था वो चेंज हो रहा था. द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल पर जो डीप जंगल थे वो जैसे साल और टीक के वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे. सी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स. और वो माउंटेन स्लोप से उसने कौन से तरह के प्लांट देखे? प्लांट जो कि कैनोपीज शेप में थे, पॉइंटेड उनकी लीव्स क्या थी? पॉइंटेड थी. और जो ट्री थे वो कितने टॉल थे बहुत. तो और सीलन तब वो वहाँ पे उसने वो जानी कि जो ये ट्री हैं वो कौन से ट्री हैं? कोनीफेरस ट्रीज. सी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. उन लंबे पेड़ों पे इसने क्या देखा कि एक जो फ्लावर है वो खिले हुए हैं, ब्राइट फ्लावर. दीज वर, ये कौन से फ्लावर थे? रोडोडेंड्रॉन. फ्रॉम मनाली एज सी वाज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास सी सॉ दैट द लैंड वाज कवर्ड बाय शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेज. मनाली से जब वो रोहतांग की तरफ ट्रेवल कर रही थी तो उसने क्या देखा, जो लैंड था वो किससे कवर था? छोटी छोटी घासों से और स्नो. कहीं कहीं पे क्या थे? सम प्लेसेस पे क्या थे? स्नो थी, बर्फ थी. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशंस बी सम सरमाइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन. तो जो सलीमा ने का ऑब्जर्वेशन था उससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि जो लैंड है, लैंड की हाइट है उसके अकॉर्डिंग और वेजिटेशन का करेक्टर है वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. मीन जो वेजिटेशन का करेक्टर है और लैंड की हाइट है उसके बीच कुछ रिलेशनशिप है. विद द चेंज इन हाइट, हाइट के चेंज होने के साथ साथ द क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट होता है हमारा मौसम है वो भी परिवर्तित हो रहा है. और उससे क्या होता है, जिससे हमारा नेचुरल वेजिटेशन है वो भी चेंज हो रहा है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? निर्भर है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, नमी पे और तापमान पे. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. ये किस पे और किस पे डिपेंड है? कुछ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है? स्लोप पे भी डिपेंड है और सॉइल की थिकनेस पे भी डिपेंड है. द टाइप ऑफ थिकनेस आप नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स. जो जो थिकनेस है नेचुरल वेजिटेशन में ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स. क्योंकि ये अलग अलग जगह पे ये जो टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर मॉइस्चर ये सब अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होते हैं, इसलिए ये अलग अलग जगहों पे ये बैरी करता है. नेचुरल वेजिटेशन जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो. जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मेनली तीन ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है. फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट व्हिच ग्रो फेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट द ट्री कवर. तो फॉरेस्ट क्या है? ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर, तापमान और रेनफॉल, बारिश जो होती है वो अच्छी मात्रा में होते हैं, ताकि जो प्लांट ट्री कवर है उनको सपोर्ट कर सकें. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, दीज फैक्टर मतलब रेनफॉल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है टेम्परेचर. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. इसके जिस तरह से टेम्परेचर और रेनफॉल होगा उसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारा फॉरेस्ट होगा वो डेंस है या और ओपन होगा, कैसा होगा, ये हमें उसी से उस पर डिपेंड करता है. देन सेकेंड वन इज ग्रास लैंड. फोर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर देर आर फोर टाइप ऑफ वेजिटेशन है ना. हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैटेगराइज किए गए हैं चार कैटेगरी में, मेनली सॉरी थ्री कैटेगरी में. फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज द ग्रास लैंड एंड थर्ड वन इज द श्रब. ग्रासलैंड क्या है? व्हिच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन.
ग्रास लैंड उस रीजन में होता है जहाँ जो रेन है वो मॉडरेट होती है, बारिश होती है जो वो मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, श्रब्स जो होता है वो कौन से वेजिटेशन है, थॉर्नी श्रब जो होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन, और ये स्क्रब जो होते हैं वो ड्राई रीजन में ग्रो करते हैं। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। सलीमा अपने एक्सपीरियंस को, जो भी अनुभव था उसका हिमालयन ट्रिप का, वो अपने फादर के साथ शेयर कर रही थी। ही हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उसके फादर जो थे वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेस को विजिट किए थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उसके जो फादर हैं तो उन्होंने सलीमा को बताया कि उनके जो ऑब्जर्वेशन थे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का वेजिटेशन था, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग तरह का वेजिटेशन भी था। ही मैंसन अबाउट कोनीफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, उन्होंने सब पोलर रीजन में भी कोनीफेरस फॉरेस्ट को के बारे में बताया। थॉर्नी बुशेस जो थॉर्नी कटीली झाड़ियाँ थी उनके बारे में, डेजर्ट के बारे में, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड के बारे में, ये इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर, इन सब के बारे में सलीमा के फादर ने सलीमा को बताया। कहाँ पे, कौन सी जगह पे बताया, सब पोलर रीजन में। सलीमा रियलाइज द हिमालयस हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। सलीमा को ये रियलाइज हुआ कि जो हिमालय है उसके पास अबाउट ऑल ऑफ तरह, मतलब सब लगभग कई तरह के जो है वैरायटी ऑफ वेजिटेशन व्हिच वन कैन सी व्हाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन, जिसको देख सकते हैं कहाँ से, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल की तरफ हम मूव करेंगे तो हम इस तरह का चेंज वैरायटी ऑफ वेजिटेशन देख सकते हैं। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंज है वो मेनली किसकी वजह से होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज है उसकी वजह से। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर कैरेक्टर फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग देयर। अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे कि हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेचुरल वेजिटेशन है वर्ल्ड में और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, और जो वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है हमारा इनहैबिट करता है, रहते हैं। फॉर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट के टाइप ऑफ फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, एंड दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है पर्याप्त मात्रा में जिसकी वजह से ये हमेशा ग्रीन बने रहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये रीजन जो होता है, ये फॉरेस्ट जो होते हैं मेनली थिक फॉरेस्ट होते हैं, और कौन से रीजन में, इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स रीजन में। दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन है ये गर्म, काफ़ी गर्म होते हैं और पूरे साल इनको पर्याप्त। दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले, जो ये जो रीजन है ये मेनली इक्वेटर में है, ठीक है। तो ये रीजन जो है हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, और हैवी जो इनमें जो बारिश होती है वो पूरे साल इनको मिलती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, चूँकि यहाँ पर कोई किसी कोई सीजन जो है वो विशेष प्रकार का जो सीजन है कोई ड्राई नहीं है, इसलिए द ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव आल टुगेदर। इसीलिए यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, वो अपनी लीव एक साथ नहीं सेट करते, गिराते, ठीक है। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और यही कारण है कि ये हमेशा हरे दिखते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। इसकी जो कैनोपीज होती हैं इस तरह के फॉरेस्ट की, एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वो काफ़ी थिक होती हैं और बहुत क्लोजली स्पेस होती है, एक बहुत पास पास होती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो कभी भी दिन में नीचे की तरफ प्रवेश नहीं कर पाती है, अंदर तक नहीं आ पाती, वो ऊपर ही दिख रहती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इवोनी, महोगनी, ये सब कॉमन ट्रीज हैं। कौन कौन से हार्डवुड जो वाले जो ट्री होते हैं, जैसे रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, ये सभी जो है कॉमन ट्री हैं इस तरह के फॉरेस्ट के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
Tropical deciduous forest. Tropical deciduous are the monsoon forests found in the large part of India, northern Australia and in Central America. जो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये आर मानसून फॉरेस्ट. ये मानसून फॉरेस्ट हैं. ये तब घने होते हैं जब इनको मानसून अच्छा होता मिलता है. ये मेनली इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में. ठीक है. दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. जैसे सीजनल चेंज होता है इन फॉरेस्टों में, अलग अलग सीजन में ये अलग अलग तरह के दिखते हैं. ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. इनमें जो होता है, जब ड्राई सीजन होता है तो चूंकि ट्री को वाटर की ज़्यादा जरूरत होती है ड्राई सीजन में, इसलिए वाटर को कंजर्व रखने के लिए जो ट्री होती हैं ये अपनी लीव्स को क्या करती हैं, सेट कर देती हैं, गिरा देती हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है ना लीव्स के थ्रू, जिसकी वजह से लॉस होता है वाटर का. इसलिए ये ट्री जो होती हैं वो अपने लीव्स को गिरा देती हैं ड्राई सीजन में. द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर. इस तरह के फॉरेस्ट में जो हार्डवुड वाले ट्री होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, जिसको शीशम भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये सभी एग्जाम्पल हैं ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के. हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल. जो ये हार्डवुड ट्री हैं ये मेनली बहुत यूजफुल है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में इनका बहुत यूज है. टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन. इन सभी रीजन में जो मेनली जो एनिमल पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जो मेजर एनिमल है वो कौन है? लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, लंगूर्स हैं, मंकी हैं. ठीक है. ये सभी इस डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन. दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पे? इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में. मिड लैटिट्यूड में ये पाए जाते हैं. ये कॉमनली ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे पाए जाते हैं. लाइक यूएसए हो गया, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील. दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्री लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस. ये दोनों तरह के हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों तरह के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं. जैसे ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. वहाँ पे हमें जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादा दिखाई पड़ने लगते हैं. दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. ठीक है. दे सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ये अपनी लीव्स को ये भी ड्राई सीजन में सेट कर देते हैं. द कॉमन ट्री, जो कॉमन ट्री होते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के, वो कौन से हैं? ओक है, ऐश है, बीच है. ठीक है. और जो डियर हो गया, डियर हो गया, फॉक्सेज हो गए, ऊल्स हो गया, भेड़िया, फॉक्सेज, लोमड़ी, ये सभी कॉमन एनिमल है जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. कुछ तरह के बर्ड्स हैं लाइक फीजेंट्स हो गया, मोनल्स हो गया, ये सभी कुछ तरह के बर्ड्स हैं. ठीक है. जैसे ये देखो मोनल्स है फिगर में और ऊपर क्या है? फीजेंट है. ठीक है. इस तरह के बर्ड जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. देन मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में क्या है? यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं उनका जो ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का और ईस्ट का ज़्यादातर जो मार्जिन है वो कौन सी तरह से के फॉरेस्ट से ढका है? कवर्ड बाई टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज से वो कॉन्टिनेंट ढका है, कवर्ड है. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन, और जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है वो अब द कॉन्टिनेंट आर, वो अलग तरह का है, डिफरेंट है. दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. उनके पास जो वेजिटेशन है वो कौन सा है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है.
इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। और ये वेजिटेशन मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, एरिया में, कौन सी एरिया में पाए जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, यूरोप में। कहाँ कहाँ पे, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, हेंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द USA। जो इस तरह का वेजिटेशन है वो एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर भी पाया जाता है, जैसे हो गया कैलिफोर्निया हो गया USA में, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका हो गया, एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है ये किससे मार्क है, ड्राई समर होता है, हॉट होते हैं, हॉट गर्म है और ड्राई समर है, एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। और जो विंटर्स होता है वो थोड़ा बहुत वहाँ पे बरसात होती है विंटर में। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिक्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स, ये सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो कॉमनली इस तरह के मेडिटेरेनियन एरिया वेजिटेशन में ग्रो किए जाते हैं। बिकॉज पीपुल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने वेजिटेशन को रिमूव करते रहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को, और वो जो उगाना चाहते हैं वो उगाते हैं उस तरह से। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, यहाँ पे ज़्यादातर जंगली जानवर नहीं पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ नहीं कम होती यहाँ पे। कोनिफेरस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड अबाउट 50 to 70 उस पे लैटिट्यूड पे, आप नदन हेमिस्फेयर के हायर लैटिट्यूड पे द स्पेक्टाकुलर कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। कौन से स्पेक्टाकुलर के कोनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कौन सा एग्जांपल क्या है इस तरह के कोनीफेरस फॉरेस्ट का, लाइक टैगा। दीज फॉरेस्ट, ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर These are the trees which Salima found in the Himalayan in abundance। ये वही ट्री है जो जिसको हिमालय पे सलीमा ने बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा था। They are tall, ये लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड वाले होते हैं, और evergreen ट्री होते हैं, ये हमेशा हरे दिखने वाले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं। The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprints। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली पल्प बनाने के लिए यूज किए जाते, पल्प के लिए यूजफुल होते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है पेपर और न्यूज़ प्रिंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे मैच बॉक्स, माचिस की मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्स, पैक करने के लिए जो बॉक्स होते हैं, ये सभी बनाए जाते हैं इस तरह के सॉफ्ट वुड से। चीड़ हो गया, पाइन हो गया, सिडार हो गया, और ये सभी इम्पॉर्टेंट वैरायटी के ट्री हैं जो कि कोनीफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सभी कॉमन एनिमल हैं जो कि कोनीफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हम उसके बाद हमने पहले पढ़ा था फॉरेस्ट, देन हम पढ़े थे ग्रासलैंड, अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं ये इक्वेटर के दोनों साइड पे पाए जाते हैं और एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक तक ये फैले होते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ मॉडरेट से लो की तरफ रेनफॉल होता है, अबाउट 3 to 4 meters इन हाइट, और इनकी हाइट कौन सी होती है, 3 to 4 meters की हाइट पे ये पाए जाते हैं। शवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप ऑफ, जो अफ्रीका का शवाना ग्रासलैंड है वो कौन सा ग्रासलैंड है, वो ट्रॉपिकल तरह ग्रासलैंड ही है। शवाना ग्रास, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये सभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के में पाए जाने वाले एनिमल हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, कौन से हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, आर फाउंड इन, ये मिड लैटिट्यूड जोन में पाए जाते हैं और इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट पे मिड लैटिट्यूड जोन में ये पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। यूजुअली ग्रास आर हियर, यूजुअली
ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस, ये जो ग्रास होते हैं छोटे होते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। वाइल्ड बफेलो, बिजन्स, एंटीलॉप्स कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, इस तरह टेम्परेट रीजन में मेनली कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वाइल्ड बफेलो पाए जाते हैं, जंगली भैंसे, बिशान और एंटीलोप्स, ये सभी टेम्परेट ग्रासलैंड के एनिमल हैं। थॉर्नी बुशेज, ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉर्नी बुशेज के बारे में। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन, जो थॉर्नी बुशेज होते हैं वो जो ड्राई सूखे तरह के डेजर्ट रीजन होते हैं, रेगिस्तानी रीजन में पाए जाते हैं थॉर्नी बुशेज। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, हमारे जो कॉन्टिनेंट है उनके वेस्टर्न मार्जिन पे ट्रॉपिकल डेजर्ट पाया जाता है मेनली। जब यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है, द वेजिटेशन इज कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, यहाँ पे जो वेजिटेशन कवर होता है वो काफ़ी स्कार्स होता है क्योंकि यहाँ पे जो रेन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन ऑन द वर्ल्ड मैप, यू कैन नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न्ड अर्लियर, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, अगर आप पोलर रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। ओनली मासेस लाइकेंस आर वेरी स्मॉल एंड वेरी स्मॉल स्क्रब्स आर फाउंड हेयर, यहाँ पे हमें जब पोलर में हम जाएंगे तो हमें केवल मास देखने को मिलेंगे, मासेस लाइकेंस होते हैं और कुछ छोटे छोटे श्रब भी देखने को मिल जाएंगे। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और ये भी उस तरह उस टाइम ग्रो करते हैं जब हम वहाँ पे थोड़ी समर होती है, गर्मी होती है, क्योंकि ऑल टाइम पोलर पे क्या होता है, हमेशा बर्फ होता है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, दिस वेजिटेशन कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, एंड दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, और ये जो टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन है ये मेनली यूरोप के पोलर एरिया में पाए जाते हैं, सॉरी यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरियाज में पाए जाते हैं। द एनिमल हाफ थिक, यहाँ के जो एनिमल होते हैं उनके फर काफ़ी थिक होते हैं एंड थिक स्किन, उनकी जो स्किन भी होती है वो भी काफ़ी थिन थिक होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो कैसे होता है, काफ़ी कोल्ड होता है वहाँ पे, जो इन ये इनके जो फर होते हैं थिक फर और थिक स्किन होती है इनको उस कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। सील, वालरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हेयर, ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो कि पोलर रीजन में पाए जाते हैं। सलीमास फादर शोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट, सलीमा के फादर ने उसे अपने कुछ फोटोग्राफ दिखाया थिक फॉरेस्ट के। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, उसी ने कुछ फोटोज में ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। हर फादर एक पेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, तो उन्होंने बताया कि जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ के, जहाँ पे फॉरेस्ट वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे बसते हैं या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, खेती स्टार्ट करते हैं। सलीमा स्टार्टेड wondering if all forests are cleared then where will the wildlife go, सलीमा ये जान के बहुत सरप्राइज होती है, आश्चर्यचकित होती है कि अगर सारे फॉरेस्ट कट कर दिए जाएंगे तो ये जो वाइल्ड लाइफ है उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल सेप अगेन, क्या दोबारा से फॉरेस्ट जो है वो अपने ओरिजिनल सेप में आ पाएगा। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन वाटर पापर टिम्बर फ्रूट नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, अगर इसी तरह से जो हमारे ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट हैं वो कट होते जाएंगे तो फ्यूचर में जो लोग हैं वो उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में कहाँ से मिलेगी, वाटर पापर जो है उनको कहाँ से मिलेगा, लकड़ी या जो टिम्बर है उनको कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट्स हो गया, नट्स, ये सभी फ्यूचर में कहाँ से हम लाएंगे अगर इसी तरह से फॉरेस्ट कट करते रहे तो। डू यू एग्री विद सलीमा,
hold a discussion with your friends about the depletion of our diversified flora and fauna. इस तरह से हम जान रहे हैं कि हमारे लिए जो फॉरेस्ट कटिंग है वो कितना हार्मफुल है, हमारा एरिया जो है कितना डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है ना, कितना जो फॉरेस्ट एरिया वो डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है. सजेस्ट सम आजकल हमारा यहाँ हमारे यहाँ क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर भी कितना बढ़ रहा है, ग्लोबल दैट कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. ये दीज आर बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट कटिंग, बिकॉज फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉरेस्ट क्या कर रहा है, उसको जब फॉरेस्ट फोटो जब ट्री फोटोसिंथेसिस करता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज कर लेता है. लेकिन अगर ट्री नहीं है इनफ मात्रा में, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हम कर रहे हैं उससे ट्री कम पड़ जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में रहेगा, वो हमारी गैसेज हॉट गैसेज जो विजिबल रेज है उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, उस तरह से हमारा जो ग्लोब है वो वार्म होता जाएगा. ठीक है, इस और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो हमारी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट करेंगी, जिससे क्या होगा, मेल्ट करेंगी तो जो ओशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, वाटर क्या होगा, फ्लड होगा. ठीक है, कितनी वर्स कंडीशन आ जाएगी. दीज आल कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दीज आल कनेक्टेड विद ट्री कटिंग आल्सो. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आज मैंने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है और बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल रघुकुल क्लासेस. थैंक यू.